अमेजोन स्क्रॉल करते करते मुझे ये घड़ी दिखी जिसपे 15 साल की वारंटी लिखी हुई है। सिम कार्ड जाता है, मेमोरी कार्ड बैठता है और ये वॉच क्लेम करता है कि ये एक्चुअल स्मार्ट वॉच है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल क्रोम व्हाट्सएप वगैरह है, तो इसको चेक करने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। देखू कैसा आया है कि ये किसी काम 2000 शायद पानी में गए लगता है। मुझे सीरियसली 2000 की घड़ी ऐसे थैली में पैक करके भेजी, मुझे शर्म नहीं आती है। चालू हो गया, पावर बटन टाइप है, एक गोल और ये क्या यहाँ से क्या ये बटन है कि चार्जिंग पोर्ट है। ये पुराना सिम कार्ड रखने के लिए जगह होती थी पता है, वो वैसा दिख रहा है। और यहाँ पर शायद मेमोरी कार्ड लगता है, एक बार मेमोरी कार्ड डाल के देखते हैं। सिम कार्ड भी डाल ही देते हैं। बैठ नहीं रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। इतना माइक्रो सिम कार्ड जमा किया था टेस्टिंग के लिए, MTNL का सिम कार्ड ट्राई करते हैं। मैं अपना एयरटेल का नहीं डाला जाए इसमें। सर्चिंग नेटवर्क, जब तक ये नेटवर्क ढूंढ रहा है तब तक इसके फीचर्स चेक कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप भी, व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। ये व्हाट्सएप के वेब पेज पे लेके जा रहा है, नहीं देखना। ओ इसमें गूगल क्रोम भी है, यूट्यूब वीडियो चेक करें। अरे वो पुराने ज़माने में नहीं होता था कि 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दबा के खेलो। नहीं जाना मुझे कोई वेबसाइट देखने। चल कैलकुलेटर वगैरह अभी है। 69 + 42 = 111। एक बात इसकी क्या माननी पड़ेगी पता है, पता नहीं ये कौन सा डिस्प्ले, लेकिन ये बहुत रिस्पॉन्सिव है। बस मैं देखो कितना लाइटली टैप कर रहा हूँ और ये इतना फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है। एक बात पता है आपको, इसमें कैमरा भी है। कैमरा ओपन करो, कैमरा कैमरा। फोटो खींचो क्या? फ्रेम मध्ये ए फोटो आया, फोटो आया, फोटो आया। इफेक्ट्स इफेक्ट्स भी है क्या? ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रीन, ब्लू। लगा नहीं था घड़ी से फोटो निकालना इतना अच्छा लगेगा। सेंड करूँ क्या? सेंड ब्लूटूथ नहीं आ रही इसका पूरा। मुझे लगता है कि ये ब्लूटूथ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। ये क्या फाइल मैनेजर है? ओह इसमें फाइल मैनेजर भी है। ओके ओके, मतलब ही इसमें ये लोग ने पूरा OS डाला हुआ है, जैसे कि मैंने वीडियो में बात की थी। ओके एक सेकंड रुको, तो ये शायद इसका दिखा रहा है, तो ये मेमोरी कार्ड को एक्सेस करके बस डेटा दिखा रहा है, लेकिन इसमें फाइल मैनेजर है, वो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ब्लूटूथ का ऑप्शन है, मैं इसको मेरे मोबाइल से कनेक्ट नहीं करने वाला। सच बताऊँ मुझे ना ये चाइना वॉच पे भरोसा अभी तक हो नहीं रहा है। बाकी सारे फीचर्स वगैरह ठीक है, घड़ी है, घड़ी का काम तो एटलीस्ट करनी चाहिए ना। तो ऐसा इसको पहनता कैसे? ये मैं इसे बहुत पहनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे पहनना कैसा है, बट कैसे तो मैंने ये फिगर आउट कर लिया। ये देखो ये हाथ पे कुछ ऐसी लगती है, लेकिन ओके ओके, ये कब पहनी जाएगी मुझे नहीं पता। ये बोलो कौन सी घड़ी खरीदोगे, कौन सी घड़ी खरीदोगे? कोई चांस नहीं है ना ये घड़ी खरीदने का। मुझे लगा अगर अच्छा होगा तो फाइनली आप सबको बोल पाऊंगा कि एक ऐसी घड़ी है मार्केट में जो एक्चुअली स्मार्ट वॉच है, लेकिन फ्लॉप हो गया। इसका स्ट्रैप निकलता है क्या? हमने सिम कार्ड डाला था ना, उसका नेटवर्क चेक कर ले एक बार। नेटवर्क आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, ये सिर्फ इमरजेंसी कॉल ही दिखा रहा है। मैंने 2 दिन से इसके अंदर सिम कार्ड डाल के रखा था वोडाफोन का, लास्ट तक वो एक्टिवेट नहीं हुआ, सिर्फ मैसेजेस आया। तो ये सिम कार्ड वाला मुझे ऐसा लगता है स्कैम हुआ है मेरे साथ। और ये मेरी पुरानी घड़ी है जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक इसका UI बहुत ऐसे, देखो स्क्रीन के ऊपर कितना सारा ऑप्शंस है, लेकिन ये जो क्लॉक है सिम कार्ड वाला, इसका UI कितना क्लीन है वो मुझे अच्छा लगा। इसमें फीचर्स नहीं है लेकिन काम करती है, इसमें फीचर्स है लेकिन काम नहीं करते। अजीब कॉम्प्लिकेशन है, एक प्रोडक्ट बनाना इतना मुश्किल हो रहा है क्या टेक इंडस्ट्री के लिए कि तुम एक अच्छी घड़ी नहीं बना पा रहे डिज़ाइन और एक्चुअली क्लॉक UI के साथ। एंड दिस इज़ द रीज़न एप्पल वॉच काम करती है, और वो इसीलिए 25-40 हज़ार की मिलती है, क्योंकि उसमें फीचर्स भी है और काम भी करती है। 2000 बर्बाद हो गए मेरे अभी देखो तो, लेकिन चलो एटलीस्ट ट्राई करने मिला, क्यूरियोसिटी मिला, 15 साल का वारंटी क्या ये
अरे 15 दिन भी चला तो काफी है ये। और मैं सही था, ये मैं 3 दिन के बाद वॉइस ओवर दे रहा हूँ। इसका बैटरी फूक चुका है, अब बस ये फूटना बाकी है। क्या बोलने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास अभी। आगे के फीचर्स देख के, वीडियो देख के भी कोई फायदा नहीं है। खत्म करते हैं वीडियो को। चलो यार, अमेजोन पे ऐसी घड़ियां मिल कैसे सकती है? लाइक अलाउ कैसे कर सकते हैं इन सेलर्स को बेचना, कि कुछ भी बेच रहे हो क्या? मतलब इन दोनों का कुछ तो करके एक नया बच्चा बाहर निकालो जो काम करेगा। अभी पता नहीं कौन सी कंपनी करेगी, लेकिन जो भी करेगी हम तैयार बैठे हैं कि कोई निकालो ताकि हम वीडियो बनाएं। तब तक इसका वीडियो तुम लोग चेक कर सकते हो यहाँ पर, जो कि मैंने सच बताया कि ये घड़ियाँ किसी काम की नहीं है। ये नहीं, एक्चुअली मार्केट में जितनी है उतनी कोई भी किसी काम की नहीं है। सबके सब फिटबिट के नाम पे कुछ भी बेचे जा रहे डिस्प्ले लगा के। तो तुम इस वीडियो में चेक कर सकते हो। बाय बाय।